वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ मीटा क्रिएटर्स डे इवेंट इन दिल्ली एंड ये 6 नवंबर को था और मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ पर इतने सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स एंड वरुण धवन स्पेशली, इन सबसे मिलने का मुझे मौका मिलता तो कोई भी एक्साइटेड हो ही जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब बस पहुँचने वाली हूँ, इतना भटकने के बाद मैं ना 1 घंटे पहले पहुँच गई थी, मगर हम गलत जगह कर गए थे, मैं एड्रेस भी गलत कर रहा था। एक मिनट का रास्ता चल रहा है, फिर देखो बोल वाला है बोलिए ये बोल क्यों तैरते करवाऊंगी, सबसे पहले सब करेंगे, कोई बात नहीं अब महंगे भी हो जाएंगे। एंड ये एंट्री गेट था, इनवैलिड ओवर ऑफ ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी करने के लिए एंड यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी, इतने सारे क्रिएटर्स आए थे लाइन लगा के क्यू आर कोड स्कैन करके फिर अंदर जाने देते हैं। एंड मेरे पास ही क्यू आर कोड था, मेरे ब्रदर सिस्टर के पास नहीं था। तो जब 30 मिनट बाकी थे, जब 2 मेंबर ने उनकी हेल्प करी, उनसे पूछा कि आपको भी अंदर जाना, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने अपना अपना बैंड उतार के दे दिया दो जने, फिर ऐसे एंटर हुए थे। फिर मेरी भाई बहन भी बहुत सारे लोगों से मिल पाए एंड मेरी मैं यहाँ पर अकेले गई थी अंदर स्टार्टिंग में, तो कोई था नहीं, तो मैंने बहुत सारी फ्रेंड बनाई एंड यहाँ पेंटिंग एंट्रल था, यहाँ रजिस्टर हो रहा था, यहाँ पर हमें जिस क्रिएटर से हम मिलने गए उसका हमें बैंड मिलता था। एंड फिर जब एंट्री हो रही थी तो बैंड देखते ही एंट्री हो गया एंड ये यहाँ का एंट्रेंस आते ही कॉफी वगैरह एंड सामने स्टेज लगा हुआ था, यहाँ हेयर द मेकर्स लिखा हुआ है एंड यहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की डिशेज भी थी। अभी आगे देखिएगा, ये क्रिएटर्स इवेंट था, यहाँ पर स्टेज लगा था, यहाँ आपने देखा ही होगा क्रिएटर्स के अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे एंड यहाँ पर सेल्फी एक एक कॉर्नर बना रखे थे रील्स के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। एंड ये मैं जा रही हूँ अभी खाने का देखने, बट मैं अकेले थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुई स्टार्टिंग में, मुझे फ्रेंड मिल गए। यहाँ ये पेस्ट्री रखी हुई है, वो देखो वहाँ पर एक कॉर्नर दिख रहा है, वहाँ पर सब फोटो और बस एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को। ये एक कॉर्नर है क्यूब्स वाला अलग से, यहाँ हेल्प के लिए क्रू मेंबर्स थे बहुत सारे, जैसे आपके साथ कोई है नहीं तो वो आपके रील्स बना देंगे, फोटो क्लिक कर देंगे। ये क्लोजअप है स्टेज का, यहाँ से पूरा फिर मैंने कुछ खाने का लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, डोनट पेस्ट्रीज एंड ये पता नहीं क्या क्या था, इतना अच्छा नहीं था मगर फिर भी अच्छा था, ठीक ठाक ही था, खा लिया ना बस फिर हो गया। एंड फिर ये सब लेकर खाकर जैसे हमने डिशेज फिनिश करी ना वैसे ही क्रिएटर डे इवेंट स्टार्ट हो गया था एंड फिर एक एक करके सारे क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा था। हमने जैसे अनाउंसमेंट सुनी आधा खाना छोड़ के बस भाग गए हम उधर वीडियोस बनाने के लिए एंड उनसे मिलने के लिए, इतने सूपर एक्साइटेड थे वहाँ पर सब के सब, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब हमने खाना लिया ये हो गया स्टार्टिंग, यहाँ पर एंकर थी आर जे करिश्मा, शादी से पहले का बोल रहा हूँ, शादी की है ताकि खर्चा था
फिर अमूल्य रतन को बुलाया था, फिर एक एक करके टेंपल में जाकर तुमने यहाँ पर किए थे उसके पास जो करना है उसके पास लेना और आप हाँ यही है जैसे जैसे दिक्कत है सब आगे हो जाते मुझे देख के इतना सब अपने एक सवाल मैंने हक भी किया बातें भी की एंड ये अमूल्य रतन अपने कैमरे से शूट करवा लिया अपना फोटो क्लिक्स वीडियोज मैं पागल होए जा रही थी एंड फिर हमने थोड़ी सी बातें की फिर हमने रील्स क्रिएट की हमने वीडियोस बनाई एंड फिर मैं उन्हें बताती कैसे बनाना है यहाँ पर सब एक एक करके सबको बुलाया था फिर नहीं हमें क्यों सबसे सबसे अच्छे से ना अमूल्य मिले अब मेरे को लग रहा है वो चले गए हमने गौरव से बात की थी वो कह रहा है यहाँ पर अंदर तीन बंदे पर अब नहीं हो पाएगा पहले वो यहाँ से मैंने तो पी लिया जब जूस कैसे टी शर्ट कैप स्टिकर स्टोव वगैरह थी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय